औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। यूट्यूब क्लासेस के हवाले से पेशावर वालों ने आप लोगों के लिए जो क्लासेस का इंतजाम किया बेटा, उसी सिलसिले में मैं क्लास 10 की फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के हवाले से मैंने आपसे पिछले क्लास में बात की थी बेटा। मिड टर्म के कोर्स का जो फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, उसी में क्वेश्चन 2 तक बेटा, जो पेज 2 और 3 को आपकी बुक में कवर कर रहा है, उस तक मैंने जो है ना अपने लास्ट लेक्चर में आपको ब्रीफ किया था। उसी के साथ अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है बेटा, जो एक इम्पॉर्टेंट एरिया कवर कर रहा है इस चैप्टर 10 में, दैट इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है और कौन कौन सी बॉडी जो है ना बेटा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन ओबे करती है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए बेटा मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने इसको लिखा हुआ है, दैट इज डिफाइन एंड एक्सप्लेन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो बेटा डेफिनेशन, द टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन इन विच एक्सेलरेशन ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ डिस्प्लेसमेंट एक्स बट अपोजिट इन डायरेक्शन, यानी वो वाइब्रेटरी मोशन जिसमें एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट एक्स का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट हो लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन हो। मैथमेटिकली अगर हम इसको देखें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो बेटा, ये आपके सामने नजर आ रहा है बेटा, मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। So here the negative sign shows that a and x are in opposite direction. कि माइनस यहाँ पर इसलिए डाला गया है, नेगेटिव साइन इसलिए पुट किया गया है कि a और x का ताल्लुक जो है ना वो तो डायरेक्ट ही है, यानी एक के मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो साथ में दूसरे का मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा, बट द केस इज दैट बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शन। सिंपल हार्मोनिक मोशन कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन्ड और डिफाइन इन टर्म्स ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। अब रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है बेटा, आगे फिगर में मैं आपको इसको ब्रीफ कर रहा हूँ। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम इस रिस्टोरिंग फोर्स के टर्मिनोलॉजी की सूरत में भी जो है इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं। द टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन इन विच द रिस्टोरिंग फोर्स एफ आर एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एक्स फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन और सम व्हाट वी कॉल इट अ मेन पोजीशन। मैथमेटिकली दिस नो फॉर द मैथमेटिकल फॉर्म फॉर दिस डेफिनेशन can be written as like this here in front of you, f restore, aap ko nazar aa rahe beta, f restore is proportional to minus x, here the negative sign shows that the restoring force is opposite to the direction of displacement, yani restoring force aur x ka jo taluq hai beta uska magnitude wise to direction hai, lekin jahan tak direction ki baat hai beta to direction mein ek dusre ke jo hai na wo opposite hote hain। एक्सप्लेनेशन में अगर हम इसकी तरफ जाएं बेटा, तो एक सिस्टम हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू मैंने लिया हुआ डायग्राम भी आपके सामने ड्रा की गई है, बॉल एंड बाउल सिस्टम। ये बॉल है बेटा, ये बाउल है, इसके अंदर इसकी जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन किस तरह है ये भी आपको मैं प्रूफ कर रहा हूँ बेटा। एक्सप्लेनेशन पॉइंट नंबर 1, हियर वी हैव कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ अ बाउल एंड बॉल सिस्टम ए शोन इन द बिलो फिगर, जिस तरह बेटा आपको फिगर नजर आ रही है, आई होप यू आर वॉचिंग इट क्लियरली। सो बेटा ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है जिसको हम मेन पोजीशन भी कहते हैं, और जब ये डिस्प्लेस हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स तो ये एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाती है। जस्ट लाइक मैंने अपने लास्ट लेक्चर में जो आपको कहा था सिंपल पेंडुलम की, जो मैंने एग्जांपल ली थी, तो सिंपल पेंडुलम भी जो है ना हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन ये बनता था, ये मेन पोजीशन बनता था, और बॉडी बॉल फिर यहाँ पे रुकती नहीं है बल्कि आगे नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे जाती है ड्यू टू एनर्शिया। सो बिटवीन द टू एक्सट्रीम पोजीशन दिस बॉल विल कंटिन्यू इट्स मोशन। सो हियर इन द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव अपने दूसरे पॉइंट को बेटा आप देखें, व्हेन द बॉल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इट विल स्टार्ट मूविंग अंडर द रिस्टोरिंग फोर्स टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। जो ही हम बॉल को डिस्प्लेस करते हैं फ्रॉम द मेन पोजीशन आर इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो बेटा वो जो है ना क्या होता है जी, रिस्टोरिंग फोर्स के जरिए असर, डायग्राम का मैं आपके सामने वापस ला रहा हूँ बेटा, ये देखें, अगर मैं इसको ये डिस्प्लेस करता हूँ, पकड़ के यहाँ तक लाता हूँ, तो बेटा ये यहाँ पर छोड़ कर रिलीज होने के बाद ये वापस अपनी मेन पोजीशन पर जाएगा। मेन पोजीशन पर आना इसकी किसकी वजह से है, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, जिस तरह इसके नाम से जाहिर है बेटा, रिस्टोरेसी फोर्स जो इसको वापस अपनी ओरिजिनल हालत में या पोजीशन पर जो है ना वो लाती है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड रिस्टोर फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। और रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे किस वजह से पैदा हो रही है जी, वेट एक्टिंग एज ए रिस्टोरिंग फोर्स, इस बॉल का जो वेट है बेटा वो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स का जो है ना वो रोल प्ले कर रहा है। इन पॉइंट नंबर 3, दिस विल बी अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एक्स,
अच्छा, अब x किस तरह रिस्टोरिंग फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन है बेटा? तो बेटा जिस तरह आपको नजर आ रही है यहाँ पे, इस तरफ हमारे पास जो है ना वो x है बेटा, ये आपके पास x का काम कर रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है बेटा, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट x है। अब x इस तरफ इंक्रीज हो रहा है और जब बॉब को मैं यहाँ से रिलीज करता हूँ तो ये वापस मेन पोजिशन पर जाता है, तो दोनों की जो डायरेक्शन है बेटा वो आपस में क्या है बेटा, वो अपोजिट है और मैग्नीट्यूड जो है ना बेटा वो दोनों का सेम है। सो दैट इज वाई वी आल्सो पुट अ नेगेटिव साइन हियर। रीचिंग एट पॉइंट नंबर फोर, reaching at equilibrium position, the ball will move toward the another extreme position due to inertia, as I told you in the previous words. Fifth number points mein kya hai, in this way the ball will continue its back and forth motion, another example of, to ye isse sabit hua beta ke kyunki restoring simple harmonic motion ke liye do condition hai beta, ek to ye ki acceleration aur jo displacement x ka jo taluq hai wo direct hona chahiye aur opposite direction hona chahiye। similarly aapke paas जो दूसरी डेफिनेशन जिस तरह मैंने स्टार्ट में की है कि रिस्टोरिंग फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट एक्स का जो ताल्लुक है बेटा वो भी उनका जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली रिलेशन रखता है और जो डायरेक्शन है वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। सिमिलरली अनदर एग्जांपल विच ओबे द सिंपल हार्मोनिक मोशन, सो दिस इज हियर बीन पुट इन पॉइंट नंबर सिक्स। अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द एग्जाम्पल ऑफ अ मास अटैच टू अ स्प्रिंग। तो बेटा इस पूरे क्वेश्चन में मैंने आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन अलॉन्ग विद डायग्राम एंड अलॉन्ग विद मैथमेटिकल फॉर्म आपको समझाने की कोशिश की है। अब नेक्स्ट एरिया जो मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपके पास जिस तरह क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने समराइज किया हुआ है, शो दैट, क्वेश्चन नंबर फोर आपको नजर आ रहा है बेटा, शो दैट द मास स्प्रिंग सिस्टम एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, के साबित करें कि स्प्रिंग के साथ, इलास्टिक स्प्रिंग के साथ अगर हम एक बॉडी को, एक मास को अटैच करें और उसको डिस्प्लेस करें तो बेटा उसके अंदर जो मोशन होगी वो आप ये प्रूफ करें कि उसकी जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। तो इसकी तरफ देखें आप, डायग्रामेटिकली भी मैंने ये सब कुछ किया हुआ है। पॉइंट नंबर वन, हियर वी हैव, कंसीडर अ ब्लॉक ऑफ मास एम अटैच्ड टू वन एंड ऑफ एन इलास्टिक स्प्रिंग ए शोन इन द बिलो फिगर। ये ब्लॉक एम है, ब्लॉक है जिसका मास एम है बेटा, और इसको जो है ना बेटा हम क्या करते हैं जी, ये इसकी आपको डॉटेड फॉर्म में नजर आ रही है, ये इसकी मेन पोजीशन है या इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जब हम फोर्स लगाते हैं और डिस्प्लेस करते हैं, दरमियान में बेटा आपको एक्स नजर आ रही है, डिस्प्लेस हुआ है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जब जाती है, एक्सट्रीम पोजीशन पर जाकर ये रुकती नहीं है तो वापस ये मेन पोजीशन की तरफ जाती है। इसी तरीके से सिंपल पेंडुलम की तरह जो है ना, जिसका बाप बिटवीन द टू एक्सट्रीम पोजीशन मोशन कर रहता है, सिमिलर इज द केस हेयर। सो जो ब्लॉक है मास एम का वो बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजिशन जो है ना अपने मोशन को कंटिन्यू करता है। अब मैथमेटिकली हम इसको देखते हैं बेटा कि किस तरह ये जो है ना सिंपल हार्मोनिक मोशन को ओबे करता है कि नहीं करता। पॉइंट नंबर टू, व्हेन द ब्लॉक इज डिस्प्लेस द इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स पुल्स द ब्लॉक टूवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजिशन। जिस तरह मैंने आपको कहा बेटा कि जो ही मैं ब्लॉक ऑफ मास एम को डिस्प्लेस करता हूँ तो ये वापस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से अपनी मेन पोजिशन पर जाता है। सो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स लॉ सेज़ व्हाट, एफ रिस्टोर प्रोपोर्शनल टू एक्स, इन दोनों का ताल्लुक डायरेक्टली एंड अपोजिट डायरेक्शन। मैथमेटिकली इन इक्वेशन वाइज कैन बी रिटन एज एफ रिस्टोर इज इक्वल टू माइनस के एक्स। नाउ हियर के इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट एंड नेगेटिव साइन इज पुट हियर ड्यू टू द अपोजिट डायरेक्शन। इक्वेशन वन शोज दैट द मोशन इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन सिंस द रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। कहने का मकसद ये है कि ये रिस्टोरिंग फोर्स जब वापस बॉब को क्या करती है बेटा, इक्विलिब्रियम पोजीशन या मेन पोजीशन पर लाती है तो ये उसमें एक्सेलरेशन पैदा करती है। तो एक्सेलरेशन जब पैदा होती है फोर्स के जरिए असर, तो फिर हमारे पास न्यूटन की सेकंड लॉ की डेफिनेशन आ जाती है जिसमें ये है बेटा कि जब फोर्स अप्लाई होती है तो एक्सेलरेशन पैदा हो जाती है डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। सो मैथमेटिकली एफ रिस्टोर इज इक्वल टू एम ए। नाउ इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू को बेटा आप कंपेयर करें, सो फाइनली वी गेट जिस रिजल्ट की तलाश में हम हैं उसकी तरफ बेटा हम पहुंच रहे हैं। इक्वेटिंग कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू वी गेट एम ए, दिस इज फ्रॉम इक्वेशन वन एंड दिस इज फ्रॉम इक्वेशन टू। सो डिवाइडिंग एम ऑन बोथ साइड, हियर यू सी दैट दिस होल मोशन ऑफ द बॉल इन बाउल सिस्टम एम रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड के इज ऑल्सो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। सो फाइनली वी कैन सी दैट के एंड एम बोथ आर कॉन्स्टेंट, देयर फॉर ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अब ये जो बेटा फाइनल जो रिजल्ट है ये किसी भी बॉडी के अंदर अगर ये फॉर्म आ जाती है मैथमेटिकली तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को ओबे करता है। यानी हम कह सकते हैं कि मास अटैच टू स्प्रिंग के अंदर जो मोशन है बेटा वो आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है। हिंस पॉइंट नंबर सेवन, हिंस इक्वेशन वन सॉरी रिलेशन वन शोज दैट द मोशन ऑफ अ मास अटैच टू अ स्प्रिंग इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो बेटा हम मुख्तसरन ये दोबारा मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ कि
मास अटैच टू स्प्रिंग की जो मोशन है, अगर तो हम ये साबित करना चाहें कि उसकी जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो बेटा उसका यही हल है कि अगर उसके हमारे पास मैथमेटिकली फॉर्म इस तरह आ जाए कि ए और एक्स का जो डायलॉग है वो डायरेक्टली हो, सो वी कैन कंक्लूड दैट कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को ओबे करता है. बेटा ये ग्रेड 10 में फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको समझा दिया. इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ फिर आपके साथ नेक्स्ट लेसन में हाजिर होंगे इंशाल्लाह. तब तक अल्लाह हाफिज़.